All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. Are nucleophiles the same as Lewis bases, or the electrophiles same as Lewis acids? Let's see in this class. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की एक बुक है बाय आर एल मदान, उसे आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। हाय, आई एम मनीषा सिंगला, वेलकम टू द एस चांद एकेडमी। इन टुडेज क्लास वील बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और द फिजिकल इफेक्ट्स of the organic compounds, the bond cleavages, what are nucleophiles and electrophiles, etc. To start with, we'll talk of physical effects and electronic displacements. The first effect that we'll be talking about is inductive effect. What is inductive effect? Basically, the polarization of a sigma bond due to the electron withdrawing or electron donating effect of the adjacent groups of atoms is called the inductive effect. Matlab, जब भी हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं तो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम्स और द एटम्स विच लाई नियर बाय, अ पोलराइजेशन इफेक्ट इज क्रिएटेड ऑन द सेंट्रल एटम। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विच डिफर इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज पोलराइज्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है एंड हाउ इट इफेक्ट्स। जब भी दो एटम्स बॉन्ड करते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन और क्लोरीन को कंसिडर करूँ, तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज़ वेरी हाई, क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस केस में देयर विल बी अ पोलर इफेक्ट दैट विल बी क्रिएटेड ऑन द कार्बन एटम। या फिर मैं वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर करूं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए जो पोलर इफेक्ट है दैट विल बी क्रिएटेड ऑन द हाइड्रोजन एटम, राइट। तो दिस पोलर इफेक्ट इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट। इन दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज while the other atom gets a partial positive charge. So when I talk of water, hydrogen gets a partial positive charge and oxygen gets a partial negative charge. Here, since oxygen is divalent, it will get two negative charges and hydrogen is monovalent, to uske upar ek ek positive charge aayega. Thus, the induced polarity is transmitted through the sigma bonds in the molecule by creating a परमानेंट डायपोल। दैट मीन्स एक परमानेंट डायपोल क्रिएट हो जाता है मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता चलता है। तो बेसिक फीचर्स क्या हैं इंडक्टिव इफेक्ट के? पहला, इट अराइजेज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स विच आर अंडर कंसिडरेशन। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतना ज़्यादा पोलर इफेक्ट क्रिएट होगा। दूसरा, इट विल बी ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा सिंगल बॉन्ड्स, no pi bonds are involved in the inductive effect formation. Third, the magnitude of inductive effect decreases while moving away from the groups causing it. Iska matlab jaise jaise hum inductive effect cause karne wale atom se dur jate hain, the inductive effect would decrease. That means if I suppose have a chain of 5 carbon atoms, then the inductive effect on the first carbon will be the maximum, सेकेंड कार्बन पे थोड़ा कम हो जाएगा, थर्ड कार्बन पे थोड़ा और कम होगा, और थर्ड कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट सब्सटैंशली निग्लिजिबल होगा, लेकिन स्लाइट इफेक्ट रहेगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। देर इज ऑलवेज अ परमानेंट इफेक्ट वेन एवर एन इंडक्टिव इफेक्ट टेक्स प्लेस। एक परमानेंट डायपोल क्रिएट हो जाएगा, दैट विल हैपन इन ऑल द मॉलिक्यूल्स। इन जनरल द इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटिवली वीक एंड इज ओवरशैडोड बाय अदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ तीन कार्बन तक रहेगा, टिपिकली एक वीक इफेक्ट है, बट इट मेक्स सर्टन चेंजेस इन द मॉलिक्यूल्स, राइट।
इट इन्फ्लुएंसेज द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स. जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपाउंड की चेंज करेगा, क्योंकि एक परमानेंट डायपोल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एज आई जस्ट सेड, वी नीड एटम्स विच आर हाईली डिफरेंट इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन. एज आई जस्ट सेड, लेट्स टेक अ चेन ऑफ फोर कार्बन एटम्स. फोर कार्बन एटम्स हैं तो उसको ब्यूटाइल बोलेंगे, ब्यूटाइल फ्लोराइड. तो ब्यूटाइल फ्लोराइड विच हैज़ फोर कार्बन एटम्स एंड वन क्लोरीन एटम. There will be a certain inductive effect that will be created by chlorine because it is highly electronegative when we compare it to carbon. अब carbon के साथ कुछ hydrogens भी attached हैं, but क्योंकि carbon और hydrogen की electronegativity में ज़्यादा difference नहीं है तो it will not give rise to any inductive effect. सिर्फ chloride का inductive effect आएगा. पहला carbon जो कि directly chlorine से connected है, chloride से connected है, that will have the maximum inductive effect. The second carbon which is now a little far away from the क्लोराइड विल हैव अ लेसर इंडक्टिव इफेक्ट. और जब तक हम फोर्थ कार्बन पे पहुंचेंगे द इंडक्टिव इफेक्ट प्रैक्टिकली रिड्यूसेस टू निग्लिजिबल. सो एज वी मूव ऑन अलॉन्ग द चेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू फर्दर कार्बन एटम्स और टू द फर्दर एटम्स, द इंडक्टिव इफेक्ट वुड डिक्रीज. इट दैट मीन्स इट वीकन्स अलॉन्ग द चेन. नाउ टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एटम दैट इज बॉन्डिंग. One is the negative inductive effect, which is denoted by minus I, and one is the positive inductive effect, which is denoted by plus I. The negative inductive effect is due to the electron withdrawing nature of the groups. Electron withdrawing matlab jo electrons ko apni taraf pull karenge. Electron withdrawing atoms wo hote hain jinki electronegativities high hoti hain. Jaise humne chloride ka example liya tha. Chloride has a high electronegativity. It forms an ion. An ionic in nature, it will pull electrons towards itself, so it is an electron withdrawing group. Aur aise hi electron releasing group ka simplest example hai hydrogen. Hydrogen electron release karega to become stable, so it is counted as a electron releasing group. There are other groups which can be categorized, other functional groups which can be categorized into these two categories. I hope you understand what is a functional group. Functional group wo hota hai jo kisi particular chemical compound ko बाकी कंपाउंड से डिफरेंशिएट करता है. जैसे कि अगर हम COOH ग्रुप लेते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप है. NO2 लेते हैं तो वो नाइट्रेट्स का फंक्शनल ग्रुप है. इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट आर बाइंडिंग विद द सेंट्रल एटम, वी कैन कैटेगराइज द इंडक्टिव इफेक्ट इनटू माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट. आई वॉज टॉकिंग अबाउट द माइनस आई इफेक्ट. Nitrate ion has the maximum inductive effect. As we move on, cyanide aata hai, sulfate aata hai, CHO that is the formaldehyde group aata hai, CO carbonyl group aata hai. Isi tarike se the inductive effect reduces for certain groups that has been shown on my screen. Similarly, positive effect hota hai electron releasing groups ki wajah se. Uska bhi ek depiction screen pe diya hua hai. The tertiary alkyl groups have the maximum inductive effect, then the secondary, then the primary, and finally the hydrogen atom. So the hydrogen atom has the least inductive effect. Now there can be a question that why are the alkyl groups positive, showing the positive inductive effect? Basically, the CH bond is practically considered as non-polar. Non-polar or polar ke beech mein I hope aap logon ko difference pata hai. पोलर वो होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है, और नॉन पोलर जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है. सो द CH3 ग्रुप और द अल्काइल ग्रुप्स आर नॉन पोलर इन नेचर, एंड देर इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दैट विल डेवलप ऑन द हाइड्रोजन एटम एंड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज विच विल डेवलप ऑन द कार्बन एटम. देयरफॉर ईच हाइड्रोजन एटम एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन केस ऑफ द अल्काइल ग्रुप, एंड द क्यूमुलेटिव इफेक्ट टर्न्स आउट इनटू एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की तरह एक्ट करेंगे. सो इफ यू सम अप द इंडक्शन इफेक्ट और द इंडक्टिव इफेक्ट, वी नो दैट इट इज कॉज्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स. व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप इज प्रेजेंट, द विदड्रॉज इट विदड्रॉज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द सिग्मा टूवर्ड्स इटसेल्फ. इंडक्टिव इफेक्ट रिड्यूसेस अलॉन्ग द चेन. जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से दूर जाते जाएंगे द इंडक्टिव इफेक्ट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग.
Polarization is transmitted only through sigma bonds. No pi bonds are involved in polarization. And it fades away as we move from left to right, where the electronegative atom is placed on the left side of the chain. Then the next very important concept is hyperconjugation. What is hyperconjugation? It is also called a no bond resonance or Baker-Nathan effect, depending upon or named after the scientists who discovered it. The delocalization of sigma electrons or lone pair of electrons into adjacent pi bonds or p orbitals is called hyperconjugation. Hyperconjugation kya hota hai? Aap is statement se kya samajhte ho? It occurs due to the overlapping of the sigma bonds. Sigma bonds ke beech mein jab overlap hota hai, orbitals which contain a lone pair with adjacent pi orbitals or p orbitals give rise to the hyperconjugation effect. Now, there are certain conditions for hyperconjugation. Let's take a short break and come back with the conditions for hyperconjugation. So, myself, Nitin Puri, who will be coming with more number of lectures for you to have not only the relativity but more number of topics in the engineering field so that you can have a better understanding of the subject on S-Chan platform. I hope you will enjoy it. Thank you. Welcome back to the S-Chand Academy. Break से पहले मैंने आपसे पूछा था hyper conjugation के लिए क्या conditions required होते हैं. तो now let's straight away get to the conditions required for hyper conjugation. For hyper conjugation, there must be an alpha CH group or a lone pair on the atom adjacent to sp2 hybrid carbon or the other atoms like nitrogen, oxygen, etc. For example, alkenes हैं, alkyl carbocations हैं, alkyl free radicals हैं, nitro compounds हैं, इन सब में alpha hydrogen होता है and all these chemical compounds show hyperconjugation. The displacement of the sigma electrons towards the multiple bonds occurs when there are hydrogens on the alpha carbon which is adjacent to the multiple bond. That means hamare paas ek multiple bond hoga. Multiple can be a double bond or a triple bond, and there has to be alpha carbons or alpha hydrogens present close to it. This results in the polarization of the multiple bond. So if you see, all these concepts are based on the polarization of the atoms. For example, if we take the example of propene, what is propene? Propene is a 3-carbon atom hydrocarbon which has a double bond in it. The sigma electrons of the CH bond of the methyl group can be delocalized into the pi orbital of the doubly bonded carbons. You can see the depiction on the screen how the hyperconjugation effect is taking place and the polarization is being created. In the same way, the other hydrogens on the methyl group also participate in the hyperconjugation, and this is possible due to the free rotation of the carbon-carbon bond, so that the other carbon-hydrogen bonds also participate in the hyperconjugation. Thus, the propene molecule can show certain resonating structures. Now, what is resonance? According to the resonance effect, greater the number of resonance contributors, the greater the resonance stabilization effect, and more stable the species it is. Resonance mein hum kuch aise structures banate hain which are similar to each other. Jitne zyada possible structures hote hain utni zyada stability hoti hai. For drawing resonance structures, we need to take into consideration certain guidelines. All the resonance structures must be valid Lewis structures. Lewis structures ke baare mein hum pad chuke hain, jitne bhi electrons ek structure mein hain utne hi sare resonating structures mein rahenge. You cannot change the number of electrons in different resonating structures. All these structures must have the same atom connectivity and only differ in the placement of the electrons. Matlab electrons ki positioning aap change kar sakte ho, atoms ki connectivity same rahegi, number of electrons same rahenge. The atoms never move, only the electrons move. We know that kisi bhi atom mein sirf electrons ka movement hota hai, atom as such move nahi karta hai. तो एटम्स की प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम तक मूव हो जाएंगे. ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नेट चार्ज.
जो फॉर्मल चार्ज है किसी भी कंपाउंड पे वो सेम रहेगा, मतलब अगर एक नेगेटिव है या एक पॉजिटिव है तो वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम ही रहेगा, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली वी आर ओनली चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स। ओनली द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव्ड। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव नहीं होंगे, सिर्फ मल्टीपली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनकी मूवमेंट हम शो कर सकते हैं। पाई बॉन्ड कैन फॉर्म अनदर पाई बॉन्ड, एक पोजीशन पे पाई बॉन्ड बन रहा है उसको मूव करके हम दूसरे कार्बन्स के बीच में या दूसरे एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड शो कर सकते हैं। पाई बॉन्ड फॉर्म्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस्ड है उसको हम दूसरी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं बाई चेंजिंग द मल्टीपल बॉन्ड, बट द नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड्स विल रिमेन द सेम इन द मॉलिक्यूल। So the resonating structures that are possible for a given structure are only the ones which have a change in the position of the electrons or the change in the position of the lone pairs or the multiple bonds. Now there's an example that's shown on my screen. As you can see, it has a double bond in it. Basically, it is propene. There is a double bond between two carbon atoms. And there are two possible resonating structures which can be shown and which are shown here. You can just move the double bond from one carbon atom to the other carbon atom and accordingly the number of electrons will be changed. Similarly, this is an amide structure having a CONH bond, and here also you can show resonating structures. If you observe, the original structure and the new structure have the same number of electrons. They have the same number of sigma bonds and the same number of multiple bonds, only that the position of the electrons and the multiple bonds has changed from the original structure. So there is a possibility of only two resonating structures which are exactly similar in the number of electrons and the positioning of the sigma bonds. Then the next concept and a very important concept in organic chemistry is the cleavage of bonds. How do the bonds break? We have been studying about formation of bonds, how bonds are formed, what are the types of bondings that are taking place. But the atoms or the compounds do break also. How do they break? If we have to create a reaction or we have to study a reaction, we need to know how the atoms or the compounds break down to form different compounds. The two major techniques that are used or that are there are the homolysis and heterolysis. As the name suggests, homo means similar. And hetero means different, lysis means to break down. So if there is similar breaking, it is homolysis. If there is a separate breaking, it is heterolysis. Ab breaking similar ya separate, iska kya matlab hai? That means, jab bhi ek molecule break karta hai, if equal number of electrons, dono hi breaking atoms ke paas aate hain, usse homolysis bolte hain. Jaise aap meri screen pe equation dekh sakte ho, if there is a compound AB having two electrons and one electron goes to A and one electron goes to B, this is homolytic cleavage. Matlab dono atoms ke paas ek ek electron aa gaya aur equal division ho gaya, that is homolysis. Similarly, heterolysis mein kya hota hai? Hetero means different, that means different type of breakage of the bond. Same example if we take here, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो या तो कम्प्लीटली ए के पास चला गया या कम्प्लीटली बी के पास चला गया, तो उसको हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास गया तो उसको हम होमोलिटिक क्लीवेज बोलेंगे. राइट, दीज आर द एग्जांपल्स फॉर होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस. क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, क्लोरीन में दोनों ही क्लोरीन एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आता है एंड इट फॉर्म्स अ क्लोरीन फ्री रेडिकल, दैट इज होमोलिसिस. हेट्रोलिसिस के केस में इफ़ वी कंसिडर ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देन द ब्यूटाइल ग्रुप गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड द ब्रोमाइड टेक्स अवे बोथ द इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोलिसिस. अ न्यूक्लियोफाइल इज अ रिएक्टेंट दैट प्रोवाइड्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज न्यूक्लियस लविंग और अ पॉजिटिव चार्ज लविंग एंटिटी. डज दिस डेफिनेशन साउंड फेमिलियर टू यू? Yes, it does, because it is exactly the same as that for Lewis bases. That means the Lewis bases and nucleophiles are the same. When the nucleophile donates a pair of electrons to a proton, it is called a Bronsted base or simply a base. That means the nucleophile will be acting as a base. It will be giving electrons, donating a pair of electrons. They all have pairs of electrons to donate and tend to be rich in electrons. So
That means we can conclude that a nucleophile is rich in electrons and it will behave as a base. It will donate electrons. Some of the examples are shown on the screen. Both the Lewis bases and the nucleophiles will be the same. Similarly, the electrophile and Lewis acids will be the same. Both of them will accept electrons and hence they are termed as electron loving or negative charge loving entities. Some of the examples of the electrophiles are shown on the screen. So, the electrophiles will also be acting as Lewis acids. To conclude, you will see that most of the reactions that you will be studying in organic chemistry will be reactions between nucleophiles and electrophiles, wherein a nucleophile will attack an electrophile and form the product. Very few exceptions are available in chemistry regarding the other reactions. That is why understanding where electrons are, how the electrons flow is an important discussion, because the electron richness or poorness of an atom determines its nucleophilicity or the electrophilicity, which will then determine what kind of a reaction will take place. In today's class, we talked about the basic organic components, how the bonds cleave, what are the electrophiles and the nucleophiles, and in the next class, we will be discussing about few more concepts of organic chemistry. अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की एक बुक है बाय आर एल मदान, उसे आप रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे।